नमस्ते सरिता चांदक, वंस अगेन बिफोर यू विद माय न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चंस देखेंगे, आर्टिकल क्वेश्चन आर्टिकल चैप्टर से रिलेटेड। हम इसके रूल्स अब पढ़ चुके हैं, अब एरर स्पॉटिंग कैसे की जाती है, उसका क्या तरीका है, क्या टेक्निक है ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाए, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट टूडे। देखिए, हमेशा ध्यान रखिए, खाली रूल्स रटने से या रूल्स करने से नहीं होगा। आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे, जितने ज्यादा बार बार करेंगे, उतने ही ज्यादा आपके क्वेश्चंस सही होने की संभावना होती है। और एंड वन मोर थिंग, रीडिंग की आदत डाल लें, क्योंकि व्हेन यू हैव द हैबिट ऑफ रीडिंग, आपके 50% क्वेश्चंस तो वैसे ही सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक चीज रजिस्टर्ड होती रहती है कि कहां द का यूज, कहां ए का, कहां एन का या कहां प्रपोजिशन का होना चाहिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग आर टाइम। पहला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं जिसमें सेंटेंस कभी कभी चार या पांच पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। आपको किसी एक पार्ट में से गलती को ढूंढना होता है, क्योंकि एक पार्ट में गलती की रहती है। तो पहला सेंटेंस देखते हैं, 3 children डाइड इन अ बस एक्सीडेंट यस्टरडे। तो इस सेंटेंस में मुझे कहीं कोई एरर नजर नहीं आ रही, बिकॉज इसमें कोई 3 children है, यहाँ कोई एरर नहीं है। इस पार्ट में डाइड कोई एरर नहीं है, इन अ बस एक्सीडेंट यहाँ पे भी कोई एरर नजर नहीं आ रही, यस्टरडे नो एरर। तो इसमें हम नो एरर पे टिक कर देंगे। और जो आपकी ओएमआर शीट आती है वो इस तरीके से बनी हुई होती है, उस ओएमआर शीट में क्वेश्चन नंबर 1 के आगे जो बने हुए हैं कॉलम्स, उसमें आप ई पर सर्किल कर देंगे तो वो आपका आंसर हो जाएगा। नाउ सेकेंड नंबर, द महात्मा गांधी वॉज ऑल्सो कॉल्ड बापू, नो एरर। अब इसमें क्या गलती है, देखिए महात्मा गांधी प्रॉपर नाउन है, एक व्यक्ति विशेष का, एक इंडिविजुअल का नाम है। भले वो व्यक्ति कितना ही महान क्यों ना हो, लेकिन यदि हम किसी इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं तो प्रॉपर नाउन के आगे द का प्रयोग नहीं होता। होता है उसकी लिस्ट एक्सेप्शन की, वो जब आगे के क्वेश्चन आएंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए आप समझ लीजिए व्यक्ति विशेष के नाम के आगे द नहीं लगता। इसी प्रकार यदि सचिन तेंदुलकर सामने से आ रहे हैं और मैं अगर कहूं द सचिन तेंदुलकर इज कमिंग, तो वहां पे भी द नहीं लगेगा, चाहे कितनी ही महान हस्ती हो क्यों ना हो, प्रॉपर नाउन के आगे, व्यक्ति विशेष के नाम के आगे द नहीं लगता। तो यहाँ पे इस पार्ट में क्या है, एरर है, तो हम इसको टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइनीज आर फॉन्ड ऑफ का मतलब क्या होता है, शौकीन होना। चाइनीज आर फॉन्ड ऑफ चाउमीन। अब चाइनीज क्या है, नेशनैलिटी, राष्ट्रीयता। पीपल हु बिलोंग टू चाइना और पीपल हु आर सिटीजन ऑफ चाइना आर नोन एज चाइनीज, एज लाइक वी आर इंडियन। जो पाकिस्तान में रहते हैं पाकिस्तानी, जो बांग्लादेश में रहते हैं बांग्लादेशी, जो जापान में रहते हैं जैपनीज। तो इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पे द का यूज नहीं करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले ऑस्ट्रेलियन, तो यहाँ पे द का यूज करेंगे कि नहीं करेंगे, एग्जैक्टली करेंगे, क्योंकि नेशनैलिटी के आगे, याद रखें नेशनैलिटी के आगे द का प्रयोग। नाउ रूल नंबर 4 क्या कहता है, सेंटेंस नंबर 4 है ताजमहल इज अ ब्यूटिफुल बिल्डिंग इन आगरा। ताजमहल इज अ ब्यूटिफुल बिल्डिंग इन आगरा। देखिए ताजमहल हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, तो इससे रिलेटेड रूल ये कहता है कि कोई भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, ऐतिहासिक बिल्डिंग कोई है, तो उसके नाम के पहले द का प्रयोग जरूर होगा। जैसे द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द रेड फोर्ट, द लोटस टेम्पल, ऐसी कोई बिल्डिंग जो अपने आप में यूनिक है, उसके नाम के आगे पहले द का प्रयोग होगा ही होगा। तो यहाँ पे क्या एरर है, ताजमहल के पहले द नहीं लगाया है, आर्टिकल द का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए इस पार्ट में एरर है। कोइंसिडेंटली अधिकतर ए में ही एरर निकल रही है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, द कैपिटल ऑफ यूके इज लंदन। अब इससे रिलेटेड रूल मैं आपको बताती हूँ। देखिए साधारणतः मैंने कहा था प्रॉपर नाउन के पहले द नहीं लगता, मैंने क्या कहा था, प्रॉपर नाउन के पहले द नहीं लगता, लेकिन इसके क्या है, अपवाद हर जगह होते हैं, एक्सेप्शंस हैं। सामान्यतः द नहीं लगेगा यदि किसी कंट्री का नाम है, इंडिया है, पाकिस्तान है, कोई भी फ्रांस है, द नहीं लगेगा।
साधारणतः देशों के नाम के आगे दर नहीं लगता, लेकिन यदि वह एक देश जिसके नाम के आगे यूनाइटेड शब्द है, क्या है, यूनाइटेड शब्द है या रिपब्लिक शब्द है, तो क्या होगा, द का प्रयोग होगा। यूनाइटेड शब्द या रिपब्लिक शब्द है तो उसके नाम के आगे द होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, द कैपिटल ऑफ यूके, द कैपिटल ऑफ द यूके इज लंदन। इस पार्ट में क्या है, एरर है, यूके मैंने यूनाइटेड किंगडम, चूंकि इस नाम के पहले शब्द में यूनाइटेड शब्द है इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, द का प्रयोग होगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ही हैज रिटर्न फ्रॉम द यूएसए, यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो यूके, यूएसए, द फिलिपीन, द चेक रिपब्लिक ऑफ चेक, इन सब के नाम के पहले क्या लगता है, द लगता ही है। नेक्स्ट है, माई मदर इज कुकिंग इन अ किचन। अब यहाँ पे ये जो ए लगा है ये गलत लगा है, क्योंकि माई मदर इज कुकिंग इन अ किचन नहीं होगी, यहाँ पे द का प्रयोग होगा, क्योंकि जब मैं किसी से बात कर रही हूँ अंडरस्टूड बात है कि मम्मी किचन में खाना बना रही है, तो सामने वाले को पता है कि कौन से किचन में, तो यहाँ पे स्पेसिफिक किचन की बात हो रही है, तो यहाँ पे ए की बजाय क्या होगा, द लगेगा। अब आप इस सेंटेंस की हिंदी भी करिए, मम्मी एक किचन में खाना बना रही है, ये कभी भी हम बोलते नहीं है, तो यहाँ मम्मी इज कुकिंग इन अ किचन की जगह मम्मी इज कुकिंग इन द किचन, मम्मी इज इन द रूम, क्योंकि जिससे बात की जा रही है उसको पता है कि कौन से रूम के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए द का प्रयोग होगा यहाँ पे। तो इंस्टेड ऑफ ए यहाँ पे क्या यूज करेंगे, द का। नेक्स्ट रूल, द टीचर कॉल्ड अ लास्ट बॉय। देखिए लास्ट, जब भी इससे रिलेटेड रूल पढ़ देते हैं, रूल क्या कहता है कि जब भी हम लास्ट, फर्स्ट, सेकेंड, बॉटम, टॉप, यानी कि एक तो हम ऑर्डिनल्स की बात करें, दूसरा हम पोजीशन की बात करें, तो यहां पे किसकी बात करी जा रही है, पोजीशन की बात करी जा रही है, ऑर्डिनल्स की बात करी जा रही है, तो उससे पहले द का प्रयोग होगा। द लास्ट, द फर्स्ट, द सेकेंड, ही इज एट द टॉप, ही इज एट द बॉटम, तो पोजीशन और ऑर्डिनल से पहले द का प्रयोग होता है। तो यहां पे कॉल्ड अ लास्ट बॉय की जगह, तो यहां पे लास्ट है, एरर इस पार्ट में है, कॉल्ड द लास्ट बॉय, ठीक है। द एप्पल अ डर कीप्स द डॉक्टर अवे, ये तो अपने आप में एक प्रोवर्ब ही है, तो इसमें द एप्पल की जगह होगा एन एप्पल अ डे। अब ई और एन में क्या फर्क है, क्योंकि इसका साउंड क्या आ रहा है, वोवल साउंड आ रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, एन का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है, द मोर आई लर्न हिस्ट्री द मोर आई गेट बोर्ड, जितना ज्यादा मैं पढ़ता हूं उतना ज्यादा, तो इससे रिलेटेड रूल कहता है जितना जितना उतना उतना, यदि इस तरीके की एक्सप्रेशन हो, जैसे जैसे वैसे वैसे, इस तरीके का हो कि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं हवा का दाब बढ़ता जाता है, जैसे जैसे ऊपर जाते हो ठंड होती जाती है, तो जैसे जैसे वैसे वैसे, तो जब जैसे जैसे और वैसे वैसे का सेंटेंसेस हो, द मोर यू अर्न द मोर यू डिमांड, द मोर शी गेट्स द मोर शी वॉन्ट्स, तो यहां पे द मोर आई लर्न हिस्ट्री द मोर आई गेट बोर्ड, ये बिल्कुल ही सही सेंटेंस है, द मोर आई लर्न हिस्ट्री द मोर आई गेट बोर्ड। श्रेया गिव मी द वॉच, अब श्रेया गिव मी द वॉच, इससे रिलेटेड सेंटेंस से रिलेटेड आप रूल बहुत ध्यान से देखिए, श्रेया गिव मी द वॉच गलत है, श्रेया गिव मी अ वॉच, श्रेया गिव मी अ वॉच, इसमें द कब लगता है, यदि हमें द वॉच लगाना होता है इसमें द तब लगता, श्रेया गिव मी द वॉच विच यू गिफ्टेड मी लास्ट ईयर, श्रेया गेव मी द वॉच विच यू गिफ्टेड मी लास्ट ईयर। अब यहां पे देखिए विच के बाद में हमने इस वॉच को क्या बना दिया, एक्सप्लेनेशन देकर
स्पेसिफिक बना दिया। एक तो मैं कहूँ श्रेया ने मुझे वॉच दी, एक वॉच दी तो श्रेया गिव मी अ वॉच, लेकिन जब मैं कहूँ श्रेया ने मुझे वो वॉच दी जो तुमने मुझे लास्ट ईयर गिफ्ट करी थी, तो श्रेया गिव मी द वॉच विच यू गिफ्टेड मी लास्ट ईयर। तो जब हम द लगाते हैं तो अगर द कब लगाएंगे, जब हम स्पेसिफिक सेंस में बात कर रहे होते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल देते हैं, मैंगो। तो यहां पे अ मैंगो करेक्ट है, लेकिन यदि मैं इसको आगे एक्सटेंड कर दू सेंटेंस को, आई एट मैंगो दैट यू ब्रॉट यस्टरडे, जो तुम कल लाए, तो अब यहां पे ए की जगह इसमें क्या लग जाएगा द, क्योंकि आगे दैट कंजंक्शन लगाकर मैंने इस चीज को स्पेसिफाई कर दिया है कौन सा आम खाया, जो तुम कल लाए थे, तो यहां पे ए की जगह क्या लग जाएगा द। ठीक है, तो आप समझ गए बात को कि जब भी हम स्पेसिफिक सेंस में बात करते हैं तो वहां पे ए नहीं लगकर क्या लगता है, द लगता है। चलिए नेक्स्ट, एवरीवन आई एम सरिता चांडक बिफोर यू विद माय न्यू वीडियो। इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डू रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। जी हाँ, सेंटेंसेस एग्जाम्स में किस तरीके से आते हैं और इन क्वेश्चंस को आपको कैसे सॉल्व करना है वो आज वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस वीडियो। देखिए, खाली रूल्स पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला, जब तक आप उनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप उसमें एक्यूरेसी नहीं हासिल कर पाएंगे। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगी, जितना ज्यादा आप में रीडिंग की हैबिट होगी, चाहे आप स्टोरीज पढ़े पैसेजेस पढ़े, उतनी ज्यादा एरर डिटेक्शन में आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये आपको नहीं पता चल रहा, सबकॉन्शियसली आपका माइंड ग्रामर के रूल्स और ग्रामर को वहां पे ग्रेस्प कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं कि आप अगर किसी रीजनल स्टेट लेवल के एग्जाम्स दे रहे हैं या यूपीएससी के एग्जाम दे रहे हैं, उन सब में ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन कई तरीके से आते हैं। एक जो सबसे कॉमन तरीका है, उसमें एक सेंटेंस को पांच पार्ट्स में बांट दिया जाता है, उन पांच पार्ट्स में से एक पार्ट में गलती होती है, यू हैव टू फाइंड आउट दैट एरर, यू हैव टू डिटेक्ट दैट एरर। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट सेंटेंस, वी सॉ अ एलिफेंट इन द ज़ू। ये हम आर्टिकल रिलेटेड एरर कर रहे हैं, तो अभी हम आर्टिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। वी सॉ अ एलिफेंट, तो यहां पे एरर है अ एलिफेंट की जगह, क्योंकि एलिफेंट किससे स्टार्ट हो रहा है, एलिफेंट यानी कि वोवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, तो वोवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है उससे पहले आर्टिकल ए की जगह क्या लगता है, एन लगता है। तो वी सॉ एन एलिफेंट इन द ज़ू, नो एरर। तो एरर किस पार्ट में थी, इस पार्ट में, तो हम इसको टिक करते हैं, और जब ओ एम आर शीट होगी उसमें आपको सर्किल करना है बोल्ड से सी वाले पोर्शन को। नेक्स्ट नंबर है सेंटेंस टू, सेकेंड नंबर सेंटेंस है, इट इज अ मोस्ट ब्यूटिफुल पेंटिंग ऑफ द गैलरी। तो इट इज अ मोस्ट ब्यूटिफुल नहीं, सुपर लेटिव हमारा रूल कहता है। रूल मैं यहां पे लिख देती हूं, देख लीजिए, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग होता है। तो सुपरलेटिव डिग्री है, इट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल पेंटिंग ऑफ द गैलरी, तो यहां पे ए की जगह क्या होगा, द का प्रयोग होगा। रूल नंबर सेंटेंस नंबर थ्री, मिस्टर गौरव शर्मा इज कमिंग टू डिनर। अब डिनर है, यहां पे एरर है, इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, क्यों, क्योंकि देखिए जो भी नेम ऑफ अ मील होता है खाने के नाम के आगे द का प्रयोग नहीं होता, तो यहां पे डिनर के आगे कोई आर्टिकल नहीं यूज हुआ है, तो ये सेंटेंस में मिस्टर गौरव शर्मा, इस पार्ट में कोई एरर है, कोई एरर नहीं है, इसमें कोई एरर है, कोई एरर नहीं है, कमिंग टू में एरर है, कोई एरर नहीं है, डिनर है, डिनर में कोई एरर नहीं है, तो ये सेंटेंस में नो एरर है। सेंटेंस नंबर थ्री, आई गो टू सिनेमा एवरी संडे। देखिए, आई गो टू सिनेमा एवरी संडे ने बताया कि ये क्या है, हैबिट की बात कर रहा है, और जब हम सिनेमा पिक्चर थिएटर इन शब्दों की बात करते हैं तो उससे पहले द का प्रयोग होता है। आई एम गोइंग टू द सिनेमा, आई एम गोइंग टू द थिएटर, तो सिनेमा थिएटर पिक्चर
इन शब्दों से और क्लब इन शब्दों से पहले द का प्रयोग होता है। तो मैं शरीर से दूर लिख देती हूँ यहाँ पे। जो भी एंटरटेनमेंट के सोर्स हैं, सिनेमा, थिएटर, क्लब और पिक्चर्स। जब हम फिल्म के सेंस में पिक्चर की बात करते हैं तो क्या लगता है? वर्ड का प्रयोग होता है। तो आई एम गोइंग टू द सिनेमा, आई एम गोइंग टू द थिएटर, आई एम गोइंग टू द क्लब टूडे, तो द का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे कौन से पार्ट में गलती थी? यहाँ पे सी पार्ट में गलती थी। He went there a hour. तो यहाँ पे an hour होगा, क्यों? क्योंकि इसका सेंटेंस का क्या है, आवर का क्या प्रोनाउंसिएशन है, इसको आवर कहें या आर कहें, लेकिन अ से शुरू होता है इसलिए ए नहीं लगेगा, एन का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे क्या है एरर? सी पार्ट में है एन आवर। ठीक है, इसमें एच क्या है ध्यान रखें, एन ऑनेस्ट मैन, एन आवर, लेकिन अ हॉर्स। क्यों? क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? ऑनेस्ट। इसका है आवर, अ से है, तो यहाँ पे वोवल साउंड आ रहा है, जबकि यहाँ पे क्या आ रहा है? कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, एच का साउंड खुद का आ रहा है, हॉर्स। तो यहाँ पे ए का यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट है ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। कश्मीरी शॉल्स आर मेड ऑफ द हेयर ऑफ शीप। कश्मीरी शॉल्स, कश्मीर से बना कश्मीरी, तो जब किसी जगह का नाम विशेषण बन जाए, कश्मीर से कश्मीरी, बीकानेर से बीकानेरी, राजस्थान से राजस्थानी, तो उसके आगे द का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे देखिए द कश्मीरी शॉल्स, क्योंकि शॉल्स की विशेषता बन गया है कश्मीरी, वो जिस जगह पर बने हुए हैं उस जगह का नाम उसका विशेषण बन गया, तो द कश्मीरी शॉल्स, द बीकानेरी कुर्ता, द राजस्थानी जैकेट्स, द राजस्थानी घाघरा, दीज ऑल थिंग्स। तो यहाँ पे क्या लगेगा? द का प्रयोग होगा। अब एट द सेम टाइम मैं आपसे ये दो रूल्स और डिस्कस करना चाहूंगी, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं ग्रामर से रिलेटेड आ जाता है। एक तो शब्द देखिए शीप, शीप शब्द का प्लूरल हमेशा शीप है, ये भी एग्जाम में एक रिलेटेड एरर आती है। और हेयर शब्द का प्लूरल नहीं होता, हेयर में भी जैसे हेयर ही रहता है। इसका एक एक्सेप्शन है कि जब आपके सर में बिल्कुल ही बाल नहीं बचे, वो गिनने लायक है, दो तीन उस स्थिति में आ गए, तब तो आप टू हेयर्स, थ्री हेयर्स, फोर हेयर्स कह सकते हो। या जैसे आई हैव थ्री हेयर्स ऑफ माइन, तो मेरे खुद के तीन बाल हैं, तो इसका मतलब मैं उनको गिन सकती हूँ। तो जब हम बालों को गिन सकते हैं उस समय तो क्या करते हैं, काउंटिंग भी होगी और हेयर का हेयर्स भी बनेगा। लेकिन सामान्य सेंस में जैसे मेरे बाल सफेद हो रहे हैं, तो माय हेयर्स आर नहीं होगा, माय हेयर इज गेटिंग ग्रे डे बाय डे। ठीक है, तो चलिए खत्म करते हैं आज का एपिसोड, मिलते हैं हमारे नए एपिसोड में।